40 वर्ष से कम आयु के युवा वयस्कों में दिल के दौरे बढ़ रहे हैं और ताज्जुब की बात तो यह है कि इनमें से अधिकांश 20 और 30 वर्ष के होते हैं। युवा लोगों में दिल के दौरे के बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? अगर आप यह सब ठीक से समझ जाएं तो आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने और हृदय रोग को रोकने के लिए कदम उठाने में काफी मदद मिल सकती है। कुछ समय पहले दिल का दौरा मुख्य रूप से वृद्ध लोगों में हुआ करता था। 40 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ना तब बहुत ही कम ना के बराबर था। अब हर 5 में से एक दिल के दौरे के मरीज की उम्र 40 साल से कम है। समस्या की तह में जाए तो एक और परेशान करने वाला तथ्य सामने आता है। सन 2000 और 2016 के बीच 20 से 30 आयु वर्ग में हर साल दिल के दौरे की दर में 2% की वृद्धि हुई और यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में वृद्धि का यह प्रतिशत और बढ़ सकता है। इसलिए यह मानना उचित नहीं है कि अगर आप युवा हैं, तो आप दिल के मामले में पूरी तरह से स्वस्थ हैं। यह देखा गया है कि जिन रोगियों को 20 या 30 की उम्र में दिल का दौरा पड़ता है वे पुराने रोगियों के समान लापरवाह हो जाते हैं और जोखिम का सामना करने लगते हैं। एक बार जब आपको वह पहला दिल का दौरा पड़ता है तो आपकी उम्र की परवाह किए बिना दूसरे बड़े हृदय आघात या स्ट्रोक से मरने की संभावना उतनी ही होती है जितनी अधिक उम्र के लोगों की होती है। इसके सामान्य कारण है खराब लाइफस्टाइल। यह खराब खान पान और तनाव कम उम्र में ही युवाओं को हृदय रोगी बना रहा है। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला, ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर शेन वार्न, के, प्रेक्षा मेहता, इंदर कुमार, संजीव कुमार, दिव्या भटनागर, समीर शर्मा, के और कई स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने दिल के दौरे की वजह से अपनी जान दी। ये सभी स्टार्स छोटी उम्र के ही थे। दिल की बीमारी और दिल का एक ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से शरीर की नसों में खून का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं हो पाता और खून जमने की परेशानी होने लगती है जिसे क्लॉटिंग या थक्का भी कहते हैं। इस क्लॉटिंग की वजह से खून को दिल तक पहुंचने में कठिनाई होती है। दिल में ऑक्सीजन की कम सप्लाई की वजह से दिल का दौरा पड़ जाता है। शुरुआती दिल के दौरे के लिए मधुमेह यानी कि ब्लड शुगर एक मुख्य कारण है। यदि आपको मधुमेह है तो आपके मधुमेह न होने वाले वयस्कों की तुलना में हृदय रोग से मरने की संभावना 2 से 4 गुना अधिक होती है। समस्या तब विकसित होती है जब आपका शुगर लेवल पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं होता है। उच्च रक्त शर्करा आपकी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है जिससे आपकी धमनियों में चर्बी यानी कि फैट के निर्माण की संभावना बढ़ जाती है और एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। मधुमेह के रोगियों में अन्य कई स्वास्थ्य रोगों के होने की भी संभावना अधिक होती है जो उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल सहित दिल के दौरे के रिस्क फैक्टर को काफी बढ़ा देते हैं। उच्च रक्तचाप हृदय रोग के लिए सबसे बड़े जोखिम कारकों में से एक है। दुर्भाग्य से दिल के दौरे की प्रवृत्ति की तरह उच्च रक्तचाप की घटनाएं भी आजकल वृद्ध लोगों की तुलना में युवाओं में तेजी से बढ़ रही हैं। उच्च रक्तचाप आपके हृदय की मांसपेशियों को मोटा बनाता है, आपकी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और आपके दिल के दौरे के जोखिम को बढ़ाता है। इसी तरह अधिक वजन और मोटापा भी दिल के दौरे के प्रमुख कारक होते हैं। अकेले मोटापे से आपको दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है भले ही आप अन्यथा स्वस्थ हो। हालांकि अधिक वजन और मोटापे से ग्रस्त मरीजों में अक्सर अन्य स्वास्थ्य स्थितियां होती हैं जो उनके हृदय स्वास्थ्य से अलग होती हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह और उच्च कोलेस्ट्रॉल। जब कोई इंसान मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर या फिर शुगर से लगातार जूझ रहा है तो ऐसी स्थिति को मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। यह मेटाबॉलिक सिंड्रोम दिल के दौरे के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। दिल के दौरे के लिए सिगरेट और शराब भी प्रमुख जोखिम कारक है। युवाओं में दिल के दौरे में योगदान देने वाली सभी चीजों में से सिगरेट, धूम्रपान शीर्ष जोखिम वाले कारकों में से एक है। आपके द्वारा धूम्रपान की जाने वाली सिगरेट की संख्या के सीधे अनुपात में आपके दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। धूम्रपान न करने वालों की तुलना में एक दिन में एक पैक धूम्रपान करने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा 2 गुना हो जाता है, जबकि सिगरेट पीने से नशा करने की तुलना में दिल का दौरा पड़ने की संभावना बहुत अधिक होती है। फिर भी यदि आप सिर्फ शराब का सेवन करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप चंगुल से बाहर हैं। आजकल ई सिगरेट का चलन जोरों पर है, पर अध्ययनों से यह पता चला है कि ई सिगरेट में निकोटीन और अन्य जहरीले यौगिक होते हैं जो आपकी हृदय गति को तेज करते हैं और आपके रक्तचाप को बढ़ाते हैं। हाल ही के एक अध्ययन में पाया गया कि वेपिंग से नॉन वेपर्स की तुलना में दिल का दौरा पड़ने की संभावना 34% अधिक हो जाती है। मादक द्रव्यों का सेवन भी आपके दिल पर भारी पड़ता है। विशेषज्ञ अभी भी आपके दिल पर मारिजुआना के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन वे जानते हैं कि यह आपकी हृदय गति को बढ़ाता है और दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ाता है, जैसे कि कोकीन। कोकीन आपकी हृदय गति को बढ़ाता है, आपकी रक्त वाहिकाओं को कसता है और आपके रक्तचाप को बढ़ाता है। ये सभी दिल के दौरे से जुड़े हैं।
मसालेदार और ऑयली फूड का सेवन, हम लोग जुबान के जायके के मोहताज होते जा रहे हैं, स्वाद के सामने सेहत को नजरअंदाज करने लगे हैं, जिसका असर दिल की सेहत को बिगाड़ रहा है। डाइट में तली भुनी और मसालेदार चीजें हमारी सेहत को खराब कर रही हैं। ये फूड शरीर में कैलोरी की मात्रा को बढ़ाते हैं और दिल की सेहत को खराब करते हैं। तनाव दिल की सेहत के लिए खतरा, बच्चे से लेकर बड़े और बुजुर्गों तक में तनाव हावी है, जिसका सीधा असर दिल की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। दिल को हेल्दी रखना है तो तनाव से दूर रहें। अगर संक्षेप में कहें तो हम अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके अपने ऊपर मंडराने वाले हार्ट अटैक के खतरे को काफी कम कर सकते हैं। जैसे कि संतुलित आहार लेना, फल और सब्जियों को आहार में शामिल करना, रेगुलर एक्सरसाइज, जॉगिंग और फास्ट वॉकिंग, सिगरेट, शराब, मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना, मसालेदार और तेल घी का प्रयोग कम से कम करना, चीनी नमक का प्रयोग बहुत ही कम स्वादानुसार, तनाव नहीं पालना और अच्छी नींद लेना, वजन को नियंत्रित करना, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स का सूझबूझ के साथ प्रयोग करना, अपने स्वास्थ्य वाइटल्स की नियमित जांच करवाते रहें, स्कूलों में बच्चों को हार्ट अटैक होने पर प्राथमिक उपचार CPR आदि की शिक्षा दिया जाना चाहिए। याद रखिए, कई दिल के दौरे रोके जा सकते हैं, बशर्ते आप अपने जीवन शैली में इन बिंदुओं के अनुसार बदलाव कर लें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा विशेषज्ञ की सलाह से दवाएं लें।